तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कंपनी ज्वाइन करने के बाद और आप 1 से 2 महीने में उस कंपनी को अगर आप छोड़ देते हो, तो क्या आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा या कंपनी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे छोड़ने के बाद, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, आपका सिलेक्शन होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, आपका इंडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें होने के बाद आप कंपनी को ज्वाइन करते हो। और ज्वाइन करने के बाद 1 महीने 2 महीने या 3 महीने आप अगर जॉब करते हो, उसके बाद आपको हो सकता है कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है उस कंपनी में वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है कि आपने जैसा सोचा हो वैसा उस कंपनी में आपको मिला ना हो, तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं उस कंपनी को छोड़ने के लिए। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, कंपनी में एक टेन्योर होता है प्रोबेशन पीरियड का, 6 मंथ हो सकता है, 12 मंथ हो सकता है या 18 मंथ हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको अराउंड कुछ 6 मंथ के आसपास मिलेगा जो उनका प्रोबेशन पीरियड होता है। तो जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, उस ऑफर लेटर में क्लियरली वो चीज़ मेंशन होती है कि उस 6 मंथ के पहले कंपनी आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकती है, कंपनी आपको कभी भी फायर कर सकती है आपके डेजिग्नेशन से, आपके पोजीशन से। और इसके पहले अगर आप छोड़ना चाहते हो, तो आप कंपनी में विदाउट एनी सर्विंग नोटिस पीरियड आप कंपनी के छोड़ सकते हो। मतलब कि आपको कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, अगर आपने किसी भी तरीके के बॉन्ड पे साइन किया है, किसी भी तरीके के एग्रीमेंट पे अगर आपने साइन किया है, तो फिर कंपनी अपने अकॉर्डिंग काम करती है। वो चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकती है, अगर कंपनी चाहे आपसे पैसे लेके आपको छोड़ सकती है, तो वो फिर सिचुएशन कंपनी के ऊपर हो जाती है, क्योंकि कंपनी बॉन्ड साइन करवाती है, अगर एग्रीमेंट साइन करवाती तो उतने दिन रुकने तक का आपसे वो बैलेंस ले सकती है, जैसा भी उसका टर्म एंड कंडीशन होगा, जैसा भी उसका एग्रीमेंट होगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल, जो एक एम्प्लॉयमेंट रूल होता है, उसमें ये कहता है कि आपने मेरे इंडक्शन के ऊपर कितना पैसा खर्चा किया, ट्रेनिंग के टाइम आपने कितना पैसा खर्चा किया, बीजीपी में कितना पैसा खर्चा किया है, तो वो आप कंपनी को दोगे या कंपनी वही आपसे उतना ही चार्ज लेगी जितना आपके ऊपर उसने खर्चा किया है, जितना लगाया है। बट ये अकॉर्डिंग टू रूल है, बट वो कंपनी उस टाइम रूल फॉलो नहीं करती है, वो आपको कई कई तरीके से डरवाती हैं, धमकाती हैं कि केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। तो नॉर्मली अगर है तो जी हाँ, आप 6 मंथ के पहले कभी कंपनी विदाउट नोटिस पीरियड के आप सर्व कर सकते हो, ये आपके ऑफर लेटर में भी मेंशन होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।